बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई वो है मूंग दाल के पकोड़े बनाने का तरीका, मूंग दाल की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमें क्या करना है, मूंग दाल को 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, अच्छे से वॉश करना है, फिर इसको भिगो के रख देना है। तो ये मैंने इसको भिगो के, मैंने इसके थोड़े छिलके रखे ताकि इनके इसके अंदर प्रोटीन आए, और 4 से 5 मैंने लौंग हरी मिर्च ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी की जार में चलाएंगे। अगर आप चाहे तो आप पूरे छिलके भी हटा सकते हैं, पर आप इसके अंदर थोड़े छिलके ज़रूर रखिएगा ताकि इसका प्रोटीन इसके अंदर शामिल हो। तो हमारी दाल अच्छे से पीस चुकी है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून मैदा। मैदा ऐड करेंगे। ये मैंने 1/2 टीस्पून धनिया लिया है, धनिया को हाथों से आखा धनिया लिया मैश करके ऐड करना है हाथों से। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हरी मिर्च मैंने तीखी वाली ली है तो हमें लाल मिर्च थोड़ी सी ही ऐड करनी है। अगर आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा देख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये मैंने ऑयल पहले से हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम हाथों से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे। इस तरीके से पकौड़ियाँ बनाएंगे। सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये अच्छे से हो चुकी है, मतलब अभी थोड़ी कच्ची है। अभी मैं इसको हिला के बाहर निकाल लूँगी। तो ये भी कच्ची है, अभी हम इसको थोड़ा निकाल लेंगे। हमें इसको वापस से फ्राई करना होगा। ये देखिए ये मैं दूसरा भी इसी तरीके से बना रही हूँ, दूसरी बार भी। तभी हमारी आधी पक जाए, तो हमें इन दोनों को शामिल करके अच्छे से इस तरीके से हिला के ऊपर नीचे करके इस तरीके से पका लेना है। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। ये देखिए तो हमारे दाल के पकोड़े अच्छे से बनके तैयार हो गए। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च भी को फ्राई किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। अल्लाह।